हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर की। फेसबुक एड्स मैनेजर कैसा दिखता है डेस्कटॉप पे और कैसे हम फेसबुक एड्स मैनेजर को देख सकते हैं फेसबुक एड्स एप्लीकेशन में। तो आप देख सकते हैं मैं अभी अपने एक ऐड अकाउंट पर हूँ, फटी जीन्स ऐड अकाउंट इसका नाम है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाके आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो ये ऐड मैनेजर है, यहाँ पर मैं डेट भी चेंज कर सकता हूँ। देख सकते हैं अभी आपकी लाइफ टाइम, यहाँ पर डेटा मुझे पूरा लाइफ टाइम डेटा जो है वो पूरा दिख रहा है। यहाँ पर सारे मेरे कैंपेन पर हूँ क्योंकि मैं, तो यहाँ पर मुझे सारे कैंपेन्स दिख रहे हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे कैंपेन्स हैं तो ये थोड़ा क्लटरी हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हटाने के लिए मैं पहला कैंपेन सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर बाय सिलेक्शन कर देता हूँ, ताकि अब हमें सिर्फ एक ही कैंपेन का डेटा दिखे। तो ये है मेरा एक कैंपेन, इसका नाम है कोल्ड परचेज कैंपेन पैक ऑफ 3 वर्जन 3, ये एक नाम है। अब इस कैंपेन के अंदर कितने एड सेट्स हैं तो वो देखने के लिए मैं एड सेट्स पे जाऊँगा, और यहाँ पे एड सेट्स मुझे दिख रहे हैं 2 मार्वल और DC। तो यहाँ पे अगर मुझे इन्हें ओपन या क्लोज करना हो तो यहाँ पे स्विचेस हैं, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, जैसे मार्वल वाला यहाँ पे एड सेट क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जब भी चाहूँ जाके, अगर मुझे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 264 लोगों तक पहुँचा है ये वाला एड सेट, और यहाँ 404 लोगों तक पहुँचा है, तो इस तरह से मैं एक को क्लोज कर सकता हूँ और एक को ओपन रहने दे सकता हूँ। ये यहाँ पे पब्लिश हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लोज पे लगाया है। ओके, तो यहाँ पे मार्वल वाला जो कैंपेन है वो क्लोज हो चुका है, तो अभी के लिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको क्लोज करना नहीं था। अब मैं यहाँ पे, जैसे मार्वल सिलेक्टेड है तो यहाँ पे मार्वल को सिलेक्ट करके अगर मैं एड्स पे जाऊँगा तो मुझे मार्वल में जितने एड्स हैं वो दिख जाएंगे, यानी कि एड 1 और एड 2। तो यहाँ पे दोनों एड्स मुझे दिख गए और यहाँ पे भी मुझे क्लोज का ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस तरह का कुछ हमें दिखेगा। यहाँ पे मैं वापस अनसिलेक्ट कर देता हूँ इसको। तो ये हमारा कैंपेन है, ये अभी के लिए स्विच्ड ऑफ है। जब पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पे भी हम चाहें तो उसको कैंपेन को यहाँ पे ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, बिड स्ट्रेटजी, बजट, रिजल्ट्स, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड, लिंक क्लिक, वेबसाइट परचेज और ऑन फेसबुक परचेज, ये 3 इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ और कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड करने हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो डिफॉल्ट है इसके जगह पे मैं यहाँ पे कैरेसल एंगेजमेंट अगर कर दूंगा तो कैरेसल एंगेजमेंट में मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी आ गया है, इंप्रेशन, लिंक क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है, CPC, CTR, यूनिक CTR, यहाँ पे CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कॉस्ट पर 1000 रीच, तो इस तरह के और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, कितने लोगों ने एक्शन लिया, ऐप इंस्टॉल्स, लीड्स, कितने लोगों ने कार्ट में ऐड करा, कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट करा, कॉस्ट पर लीड कितना है, कॉस्ट पर व्यू कंटेंट कितना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है मुझे क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने कॉलम्स चेंज करें। तो इस तरह से हम यहाँ पर फेसबुक एड्स मैनेजर का को यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए और नेविगेट करने के लिए कि हमारा कैंपेन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको ऐप पे जाके बताने वाला हूँ कि हम ये सेम चीज़ ऐप में कैसे कर सकते हैं, फेसबुक एड्स एप्लीकेशन जिसे कहते हैं। तो ये है फेसबुक एड्स एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं इस पे जाऊँगा और आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट अभी सिलेक्टेड है। अगर आप चेंज करना चाहें तो ऊपर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो ऐड अकाउंट का नेम है, जैसे फटी जीन्स ऐड अकाउंट है, इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं आपको जो भी ऐड अकाउंट यूज़ करना हो। फिर चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइफ टाइम, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है डेट प्रीसेट्स में, तो यहाँ पर आप जो चाहें डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, अभी लाइफ टाइम रहने दे रहा हूँ मैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे सारे कैंपेन्स दिख रहे हैं, अकाउंट ओवरव्यू में मैंने कितना स्पेंड किया है, कितने लोगों तक पहुँचा है मेरे एड्स, वो दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे सारे कैंपेन दिख रहे हैं। और सबसे पहला कैंपेन जिसको मैं रिव्यू कर रहा था डेस्कटॉप पे, वो अब आपको यहाँ पे वापस दिखेगा, कोल्ड परचेज कैंपेन पैक ऑफ 3 वर्जन 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 रुपीज़ स्पेंट है, 0 परचेज 0 कॉस्ट पर परचेज। तो अगर मुझे, जैसे मैंने वहाँ पे, मैं कैंपेन के बाद एड सेट्स और एड में गया था, तो यहाँ पर भी अगर मैं कैंपेन पे क्लिक करूँगा, इस कैंपेन पे, तो मैं इस कैंपेन की और इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप छोटा सा यहाँ पे रिजल्ट्स के पास में परफॉर्मेंस लिखा देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कॉलम को चेंज करना, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था, वैसे मैं यहाँ पे भी कैरेसल एंगेजमेंट पे जा सकता हूँ और यहाँ पे मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट्स, CPM, CPC, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब मेरे पास आ गई। तो इस तरह से आप कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हैं मोबाइल ऐप पर। और जैसे वहाँ पे हमें देखे थे कि 2 एड सेट्स हैं, मार्वल और DC, तो यहाँ पे मार्वल और DC 2 एड सेट हमारे सामने हैं। उसके अलावा और इन्फॉर्मेशन जैसे कि जेंडर, एज, प्लेसमेंट, लोकेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन और है यहाँ पे। अभी यहाँ पे नहीं दिख रही इन्फॉर्मेशन क्योंकि ये कैंपेन बहुत कम टाइम के लिए चला है और ये मैं आपको सैम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, पर अगर आप चलाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसको कैंपेन को ऑन करने के लिए यहाँ पे इनएक्टिव लिखा आ रहा है, इसके पास में वैसा का वैसा एक टर्न ऑन जैसा स्विच है, तो उसको आप प्रेस करके इस कैंपेन को ऑन भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा था कि मार्वल में 2 एड्स थे, वैसे ही मैं वापस यहाँ पे मार्वल में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे वापस पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैरेसल एंगेजमेंट पे जैसे आप देख सकते हैं कि सेट है ये रिजल्ट्स, यहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे एड्स में लिखा आ रहा है यहाँ पे 2, और यहाँ पर
एड वन और एड टू मेरे दोनों एड्स मिल दिख रहे हैं। अगर मैं एड वन पे जाऊंगा तो यहाँ पे एड वन से रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वापस उसी तरह से कैरेजल एंगेजमेंट जैसे मेरा कॉलम सेट है वहाँ पे फिर से, और यहाँ पर मुझे अपना एड पूरा दिख जाएगा, और यहाँ पे मैं प्रीव्यू ऑल करके हर जगह पे अपने सारे प्लेसमेंट पे कैसा प्रीव्यू दिख सकता है वो भी मैं देख सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर भी मैं जैसे यहाँ पे टर्न ऑन नहीं है ऐड, तो यहाँ पे ऑन को मैं ऑफ भी कर सकता हूँ जैसे मैंने अभी अभी करा और ये इनएक्टिव हो गया। इस तरह से यहाँ पर डुप्लीकेट एडिट के ऑप्शन भी हैं, और इसी तरह से आप ऐप पर भी वही सब काम कर सकते हैं जो आप डेस्कटॉप पर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।